तमाम इट्टा और पत्तल मेरे गोद में। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि राजा सोना सिंह को पुत्र के बदला में ईटा भट्टा खुल गया। क्या कहा? ईटा भट्टा खुल गया। हो चल रख वो ईटा भट्टा। महारानी ये बताओ जी टेट वाला मोच कट गया हो ना कट गया हो। चलो रखो स्वामी जी। ये बताओ महारानी की पुत्र के बदला में तूने मेरे गोद में इट्टा और पत्थर देने की कैसे हिम्मत हुआ तुम्हारा? स्वामी जी बोलो। मेरी हिम्मत कोई काम की नहीं, लेकिन छोटी बहन पुत्र की जगह पर अपने गर्भ से ईटा पत्थर को जन्म दिया। स्वामी जी क्या छोटी महारानी की गर्भ से ईटा और पत्थर की जन्म लिया है? हाँ स्वामी जी, मैं इसलिए इसके गोद में ईटा पत्थर ली थी कि अगर ऐसा मैं नहीं करती यहाँ की प्रजागण जान जाते कि छोटी महारानी गर्भ से ईटा पत्थर जन्म लिए हैं तो क्या कहते। सुनो छोटी महारानी को मेरे सामने घिसाते ले आओ। खींचते हुए? हाँ खींचते। स्वामी जी आप मुझे विश्वास कीजिए। स्वामी जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत कर रही हूँ कि छोटी बहन गर्भ से ईटा पत्थर ही जन्म लिए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप छोटी महारानी से खुद पूछ लीजिए। ठीक है आएला। बड़ी निकला ओ निकला धीरे धीरे जकिया किया बड़ी निकला। प्रणाम स्वामी जी। हट जाओ काली नागिन, तूने अपने गर्भ से लेने वाली। ये बताओ कि तुम्हारे गर्भ से ईंटा और पत्थर जन्म लिया कि पुत्र जन्म लिया है? हे स्वामी जी, बच्चे को जन्म देने से पहले बड़ी दीदी ने मेरे आंखों में सात तो पट्टी बांध चुकी थी। क्या तुम्हारे आंखों में सात तो पट्टी बांधी थी? जी। और सर को कोठी में दिया था, पांव को चूल्हा में दिया। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया उसकी रोने तक की आवाज मेरे कानों तक नहीं गई, इतनी मोटी पट्टी बांधी थी दीदी जी ने। बड़ी महारानी जी ये बताओ कि किसी माँ बहन को जब प्रसूत होता है क्या उसके आंखों में सात तो पट्टी बांधी जाती है? बांधी जाती है स्वामी जी। क्या उसके सर को कोठी में दिया जाता है? जी। पांव को चूल्हा में? जी। ये कहाँ की रीत है स्वामी जी? बोलो। ये औरत की बात है, औरत की बात सिर्फ औरत ही जानती है। आप मर्द हैं, आप कैसे जानेंगे औरत की बात? स्वामी जी छोटी बहन का आंखों में इसलिए सात तो पट्टी बांध दी थी, किसी भी औरत के जब प्रसव होते हैं उस टाइम उनकी नजर चढ़ जाती है। क्या उसकी नजर चढ़ जाती है स्वामी जी? इसलिए मैं छोटी बहन का आंखों में सात तो पट्टी बांध दी थी कि छोटी बहन की नजर ना चढ़ जाए। अगर स्वामी जी नजर चढ़ जाती आप तो यहाँ थे नहीं, आज कुछ हो जाते तो क्या होता? ठीक है छोटी महारानी जी, तूने काली नागिन हो अपने गर्भ से ईटा और पत्थर जन्म देने वाले। स्वामी जी मैं बताती हूँ ये क्या बताएगी। एक काली नागिन है, डायन है, चुड़ैल है, बच्चे को गर्भ में खा गया और बच्चे के जगह पर ईटा पत्थर को जन्म दी है। हाँ महारानी हाँ, आज से इसे 14 वर्ष के लिए वनवास, वो भी सुंदरबन की सुंदर फुलवारी में। इसे कौवा हकाना होगा, एक भी डाल पे कौवा नहीं बैठना चाहिए। और खाने के लिए सूखी रोटी नारियल की चलखा में पानी, वो भी हफ्ता रोज में एक रूप। मैं समझ गई स्वामी जी। और बड़ी महारानी ये राज पोशाक उतार लो और जी भर के इसे मार के। आज मुझे विश्वास हो गई स्वामी जी कि संसार में महारानी से ज्यादा पुत्र ही अच्छा होता है। जो आज मारो जी भर के मारो, जी भर के मारने की काबिल है। लो महारानी लो, जी भर के मारो और मैं जा। ठीक है जाइए ना, जाइए अल्लाह।
स्वामी जी का आदेश है, स्वामी जी का आदेश है, ये राजशाही पोशाक जो पहने हूँ इसे उतार के रख दो। सबसे गंदी साड़ी फटी पुरानी तुम्हें पहना के मैं से निकालूंगी ताकि यहाँ की पर्दा को तुम पहचान नहीं पाएगी कि छोटी महरानी हो। इतना ही नहीं, आज सुंदर फुलवारी में तुम कौवा उड़ाओगे, एक भी कौवा चाहे पक्षी फल के ऊपर बैठ गया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और हफ्ते में एक रोज सूखी हुई रोटी और नारियल खोइए पानी तुम्हें मिलेगी पीने के लिए। और आज के बाद तुम कौवा हकनी के नाम से जाने जाओगे। पिताजी जे मंत्री जी क्या हुआ? नंबर में आ गया है, नंबर में आ गया है, आ गए कहीं उतना बेस मत बजाएगा साउंड फट जाएगा। हाँ बेस नहीं दिए था साउंड उड़ दिए। हेलो हेलो माँ मंत्री जी जी ये है ना? नहीं, हाँ यहाँ कोई नहीं है, दो ही व्यक्ति तुम और मैं, दो ही व्यक्ति है और कोई सुन नहीं रहा है। रास्ता कांटा खत्म हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। अब चलिए आराम कीजिए महल। अब तो मैं इस महल की बड़ी महरानी, आंख बंद हो रहा है ना? ना लाइक जज उसका इलाज है मेरे पास ना, ठीक है। महारानी जी आराम कीजिए, अब ऐस मौज कीजिए, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ऐस मौज कैसे करूंगा? स्वामी जी तो पूरे चिंता में है, चिंता में है, उसका प्यार का जल पुत्र के जगह ईटा पत्थर, ईटा पत्थर। स्वामी जी को मनाना पड़ेगा, मनाइए यार, बुलाइए, बुला दे। ए सोमू जी सोमू जी, अरे तुम पागल हो गया, बहुत मारेगा, मारेगा करेगा शाम महाराज के महाराज। ए महाराज, महाराज जी, महाराज जी आवर हो या बार हो बाबू रेलवे पॉइंट चढ़ गए। बनाना सुने जा, अरे रही 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 हो महाराज। हो
हमर राजा जी दिन में न बोले रातिया में गांजा खोजे रातिया में गांजा खोजे हमर राजा क्या कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं हमर राजा जी दिन में न बोले रात में गांजा पीते हैं हम नहीं पागल की तरह बात करता है और निकल गया चुप 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 सुनो क्या छोटी महारानी को बाहर कर दिया राज से बाहर भाग ले और पंचवटी में नहीं है ना मिलो पंचवटी में क्या होगा यहाँ की बात करो देखो पहुँचा दिया पंचवटी पहुँचा दिया है सुंदरबन की सुंदर फुलवारी में वह तो लग जब हाँ तब उसे पहुंचा दिए ठीक है ठीक है मिलो जब स्वामी जी बोलो महारानी आप चिंता न करें स्वामी जी जो होने का था वो हो गया आप छोटी बहन की याद दिमाग मत रखिए जो भी बात करना आप मुझसे मिलिए आप हर चापन पूरी करूंगी क्या नहीं महारानी भला तुम्हारे जैसा पत्नी हो मेरे जैसा पति तो कोई चीज का कमी क्या होगा क्यों स्वामी जी हेलो सुन लिया है ए स्वामी जी नालिस्टे ने जी सुन लिया है सब मैंने ए सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है महाबत है आखिरी महाबत है आखिरी महाबत